वीडियो की शुरुआत आगरा के इतिहास से करते हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा एक अति प्राचीन शहर है। क्योंकि आगरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के पास ही है, इसलिए आगरा का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। आगरा शहर का नाम आगरा कैसे पड़ा, इस संबंध में तीन कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से पहली कहानी है। कहा जाता है आदिकाल में भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक पुत्र जिनका नाम अंगिरा ऋषि था, आगरा व इसके आसपास के क्षेत्र उनकी तपोभूमि थी, इसीलिए इस शहर का नाम उनके नाम पर आगरा पड़ गया था। दूसरी कहानी, आगरा ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। महाभारत काल में ब्रज क्षेत्र में 12 वन हुआ करते थे, जैसे वृंदावन, मधुवन, महावन, अग्रवन आदि। कहा जाता है आगे चलकर अग्रवन का नाम ही आगरा हो गया था। तीसरी कहानी, कलयुग के आरंभ में एक राजा हुए जिनका नाम महाराजा अग्रसेन था। उनका शासन दिल्ली, वल्लभगढ़, पंजाब, हिसार, अग्रोहा, आगरा क्षेत्र पर हुआ करता था। कहा जाता है इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम आगरा पड़ा। अग्रवाल समाज के लोग इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। दिल्ली में स्थित एक प्राचीन बावली है, जिसे अग्रसेन की बावली के नाम से जाना जाता है। महाराजा अग्रसेन का संबंध आगरा से होने के कारण आगरा में कई जगह इनकी प्रतिमा लगी हुई है। इसके बाद 12वीं शताब्दी के आसपास इस शहर पर हिंदू राजा बादल सिंह का राज हुआ करता था और उनके किले को बादलगढ़ किले के नाम से जाना जाता था। उनका किला उसी जगह स्थित था जहां आज आगरा किला स्थित है। सन 1506 में लोदी सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर आगरा को अपनी राजधानी बनाया। कहा जाता है उसने आगरा का नाम बदलकर सिकंदराबाद कर दिया था, परंतु यह नया नाम लोगों की जुबां पर चढ़ ना सका और जहां सिकंदर लोदी को दफनाया गया था केवल उसी जगह का नाम सिकंदरा होकर रह गया। सन 1526 में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी व प्रथम मुगल शासक बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा पर अपना अधिकार कर लिया और भारत में मुगल सल्तनत की नींव पड़ी। बाबर को बाग बगीचे बनाने का बहुत शौक था। बाबर ने आगरा में एक बाग बनवाया था जिसका नाम आराम बाग था, परंतु धीमे धीमे इसका नाम राम बाग हो गया है। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर के मृत शरीर को कुछ वर्षों के लिए रामबाग में ही दफनाया गया था। उसके बाद उसके मृत शरीर को काबुल अफगानिस्तान स्थानांतरित कर दिया गया और वहीं उसकी कब्र बना दी गई। सन 1526 से सन 1639 तक मुगलों ने आगरा से ही भारत पर राज किया। सन 1639 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। सन 1761 में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने आगरा पर आक्रमण किया और आगरा पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। जाटों के बाद मराठाओं ने आगरा किले पर अपना अधिकार जमा लिया और 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगरा किले को अपने कब्जे में ले लिया और यहां अपनी हुकूमत जमा ली। अब हम आगरा के क्षेत्रफल और आबादी के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम आगरा को दो भागों में विभाजित करेंगे, आगरा डिस्ट्रिक्ट एंड आगरा सिटी। शुरुआत आगरा डिस्ट्रिक्ट से करते हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकसभा सीटें व 9 विधानसभा सीटें आती हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल 4027 स्क्वायर किलोमीटर्स है और आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 44,19,000 थी। अब आगरा शहर के क्षेत्रफल और आबादी के बारे में जानते हैं। आगरा शहर का क्षेत्रफल 121 स्क्वायर किलोमीटर्स है और आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 15,90,000 थी, जो बढ़कर 2020 में 22,10,000 हो गई है। आगरा के अन्य फैक्ट्स के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि आगरा उत्तर प्रदेश का आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से 4th सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल व आबादी के हिसाब से आगरा देश का 23वां सबसे बड़ा शहर है। अब हम आगरा के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। आगरा अपने पर्यटन स्थलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसमें नंबर 1 पर आता है दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल। नंबर 2 पर आता है आगरा का किला। नंबर 3 पर आता है फतेहपुर सीकरी। नंबर 4 अकबर का मकबरा। नंबर 5 इत्मादउद्दौला का मकबरा।
नंबर 6 मरियम का मकबरा, नंबर 7 मेहताब बाग जहां से ताजमहल का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। आगरा में ऐतिहासिक स्मारकों के अतिरिक्त आप कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो आप 3 जगह जा सकते हैं, जिसमें पहला है एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर। इस एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर पर 20 से अधिक हाथियों को रेस्क्यू करके रखा गया है। दूसरा है बेयर रेस्क्यू सेंटर, जो कीटम लेक के जंगलों में स्थित है। इस रेस्क्यू सेंटर पर 150 से अधिक भालुओं को रेस्क्यू करके रखा गया है। तीसरा है चंबल सफारी, जो कि आगरा में ही पड़ता है, परंतु सेंटर आगरा से करीब 70 किलोमीटर दूर है, जहां लग्जरी बोट में बैठकर जहां आप मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए, डॉल्फिन और कई तरह के दुर्लभ पंछियों को देख सकते हो। चंबल सफारी के 2 भाग हैं, इसका एक और भाग धौलपुर राजस्थान में भी है। अब हम आगरा के मुख्य व्यवसायों के बारे में जानेंगे। जैसा हमने पिछली स्लाइड में जाना कि अपने ऐतिहासिक स्मारकों की वजह से आगरा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आगरा का प्रथम व्यवसाय पर्यटन ही है। इन ऐतिहासिक स्मारकों को देखने के लिए हजारों पर्यटक प्रतिदिन आगरा आते हैं, इसीलिए आगरा में बजट क्लास होटलों से लेकर 5 स्टार होटलों तक हर श्रेणी के होटलों की संख्या बहुत अधिक है। आगरा का दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय लेदर के प्रोडक्ट्स हैं। आगरा में बने लेदर के जूते विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और आगरा में लेदर की जैकेट्स भी बनाई जाती हैं, लेदर के हैंड्स बैग और अन्य आर्टिकल्स भी बनाए जाते हैं। आगरा का तीसरा सबसे बड़ा व्यवसाय चांदी का है। यहाँ लोग घरों में चांदी के पायल व ब्रेसलेट्स बनाते हैं, फिर इन्हें भारत के अन्य शहरों व दुनिया के अन्य देशों में भी भेजा जाता है। चूंकि आगरा एक पर्यटन स्थल है, इसलिए आगरा का चौथा प्रमुख व्यवसाय हैंडीक्राफ्ट्स का है। जिन कारीगरों ने ताजमहल बनाया था, आज उन्हीं के वंशज यह हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। इस कला को पच्चेकारी अथवा इनले वर्क के नाम से जाना जाता है। इस कला में एक पत्थर को काटकर उसमें उसी साइज के दूसरे कीमती पत्थरों को लगाया जाता है। आगरा में डाइनिंग टेबल से लेकर साइड टेबल, ताजमहल के मॉडल व छोटे छोटे सुंदर हाथी बनाए जाते हैं। अब हम आगरा की देश के अन्य शहरों से यातायात कनेक्टिविटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम हवाई अड्डे के बारे में जानेंगे व इस पर संचालित होने वाली विमान सेवाओं के बारे में भी जानेंगे। आगरा में हवाई अड्डा है जिसका नाम खेरिया हवाई अड्डा है, जो एक अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा है। इस पर कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं आती है। इस हवाई अड्डे पर पर्यटकों की बहुत कम फ्लाइट्स आती हैं। इस हवाई अड्डे का मुख्यतः प्रयोग वायुसेना व थल सेना द्वारा किया जाता है। कभी कभी कुछ विमान कंपनियां अपनी फ्लाइट आगरा से अन्य शहरों के लिए ऑपरेट करती हैं, परंतु यह रेगुलर नहीं रहती हैं। आगरा का निकटतम हवाई अड्डा जहां पर्यटकों की रेगुलर फ्लाइट्स आती हैं, दिल्ली का हवाई अड्डा है। अब हम आगरा के मुख्य रेलवे स्टेशनों के बारे में जानेंगे। वैसे तो आगरा में छोटे छोटे कई रेलवे स्टेशन्स हैं, परंतु आगरा में जो सबसे बड़े और प्रमुख रेलवे स्टेशन्स हैं, उनमें पहला नंबर है आगरा कैंट और दूसरा है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। आगरा रेल मार्ग द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। आगरा में अभी मेट्रो ट्रेन सेवा संचालित नहीं है। इसके निर्माण का शुभारंभ 7 दिसंबर 2020 को किया गया व इसके 2022 में पूरे होने की संभावना है। अब हम आगरा के प्रमुख बस स्टैंड्स के बारे में जानेंगे। आगरा बस कनेक्टिविटी द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। आगरा में 3 प्रमुख बस स्टैंड हैं, जिनमें पहला है ISBT बस स्टैंड। आगरा का दूसरा प्रमुख बस स्टैंड है ईदगाह बस स्टैंड, जो कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास ही है। आगरा का तीसरा प्रमुख बस स्टैंड है बिजली घर बस स्टैंड, जो कि आगरा किले के पास में ही है। जब हम किसी शहर को घूमने जाते हैं और वहाँ के खान पान के बारे में बात ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगरा के खान पान के बारे में जानते हैं। आगरा में नाश्ते में प्रमुख है बेड़ई। बेड़ई कचौड़ी की तरह ही होती है, परंतु कचौड़ी मैदा से बनी होती है और काफ़ी मोटी होती है, जबकि बेड़ई आटे से बनाई जाती है और काफ़ी पतली होती है।
और इसमें दाल की फिलिंग की जाती है और इसके साथ खाने के लिए आलू की सब्जी दही डालकर दी जाती है। बेड़ई बेचने वाले अपनी दुकान पर दाल की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी व पनीर की कचौड़ियाँ भी साथ में रखते हैं और साथ में रखते हैं जलेबी। आगरा में बनाई जाने वाली एक खास मिठाई जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है, इस मिठाई का नाम है पेठा। पेठा एक तरह का कद्दू होता है, यानी कि पम्पकिन। यह राख वाला पम्पकिन होता है। प्राकृतिक तौर पर इसके ऊपर एक राख की परत पाई जाती है और यह पम्पकिन अंदर से सफ़ेद होता है। इसी से पेठे वाली मिठाई बनाई जाती है। पेठे की मिठाई कई वेराइटीज़ व कई फ्लेवर में बनाई जाती है, जैसे पान पेठा, चॉकलेट पेठा, कोकोनट पेठा, केसर पेठा और भी कई तरह के फ्लेवर इसमें बनाए जाते हैं। इसीलिए आपको आगरा की सड़कों पर बहुत सारी पेठे की दुकानें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अब हम आगरा के प्रमुख बाज़ारों के बारे में जानेंगे। वैसे तो आगरा में छोटे बड़े बहुत सारे बाज़ार हैं, परंतु हम इस वीडियो में केवल प्रमुख बाज़ारों के बारे में ही जानेंगे। आगरा का सबसे प्राचीन व प्रमुख बाज़ार, जिसे मुग़लों के समय स्थापित किया गया था, वह आगरा किले से आगे जामा मस्जिद के पास में है। इस बाज़ार में रिटेल से लेकर होलसेल तक लगभग सभी चीज़ें मिल जाती हैं। इस बाज़ार के प्रमुख भाग हैं सुभाष बाज़ार, किनारी बाज़ार, लोहार गली, दरेसी आदि। दूसरा प्रमुख बाज़ार है सदर बाज़ार। यह पर्यटकों द्वारा पसंद किया जाने वाला सबसे अच्छा बाज़ार है। यहाँ लगभग सभी चीज़ें मिल जाती हैं और यह काफ़ी व्यवस्थित है। चलने के लिए यहाँ फुटपाथ है। सदर बाज़ार की चाट गली काफ़ी प्रसिद्ध है। यदि आपको चटपटी चीज़ें खाने का शौक़ है तो सदर बाज़ार स्थित चाट गली में अवश्य आएँ। आपको यहाँ आपकी पसंद की लगभग सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके बताइए। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे भी आप पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।